नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह जो भीड़ आप देख रहे हैं, यह साहू समाज के लोग हैं। यह लोग झांसी के एसएसपी के कार्यालय में पहुंचे हैं। क्या समस्या है, किस मुद्दे को लेकर यह लोग पहुंचे हैं, यह हम आपको समाज के लोगों के द्वारा सुनवाते हैं। लेकिन मामला बड़ा ही रोचक है, जिसे आप जरूर सुनिएगा। समाज के लोगों ने क्यों एकजुट होकर आज एसएसपी के पास पहुँच कर जो गुहार लगाई है, उसके बाद उन्होंने मीडिया से जो बात की, वो हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहा गया। जो हमारे ओम प्रकाश जी साहू हैं, संभ्रांत नागरिक हैं और व्यापारी हैं, और हमारे जो जिला के महामंत्री हैं, उनके बड़े भाई हैं अमित साहू जी, ये जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, मेरे जो संज्ञान में आया है कि ये कोई जोशी जी हैं, उनके साथ इनका कोई पहले पुराना विवाद था, तो उनका एक स्वभाव ही बन गया है कि हर 15 दिन में उनको एक एप्लीकेशन थाने में देना है, और किसी न किसी प्रकरण में कभी गलत तरीके से, कभी मारपीट की, कभी मेरे पैसे छीन लिए। अब देखिए, अभी जो दिया है ये घटना, वो 1 महीने पुरानी बता रहे हैं, जबकि इसकी रिपोर्ट अभी 7 तारीख को हुई। 1 महीने पुरानी घटना में वो बता रहे हैं कि रास्ते में मुझे रोक लिया ओम प्रकाश जी, उनकी पत्नी कुसुम ने, और मेरे 350 रुपये छीन लिए। अब आप बताइए, 350 रुपये का कोई विवाद हो सकता है? इस तरह की ये गलत प्रकरणों में गलत अपने तरीके से वो डेली कुतवाली कहीं इधर कहीं उधर जाती है, और हर प्रकार के उनको प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। और तो इस संबंध में मेरा ये है, माननीय आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हमारे समाज के सभी संभ्रांत लोग हैं, समाज के हमारे माते मुखिया हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हरभजन जी हैं, सब लोग मिलकर के माननीय से प्रार्थना करेंगे कि इस प्रकरण की सही तरीके से जांच तो कराई जाए। लेकिन ऐसा थोड़ी कि किसी ने आरोप लगा दिया, मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दे, तो आरोपों की भी निष्पक्ष जांच होना चाहिए कि इसमें सत्ता हमारे ओम प्रकाश साहू जी हैं, उनकी धर्म पत्नी जो कुसुम साहू जी हैं, उनके साथ में जैसे अगर सुसाइड होता है तो थाने में आती, तो उनकी रिपोर्ट नहीं ले जाती, और वो जोशी जी हैं जो कैलाश जोशी जी, तो वो आते हैं उनके उनके खिलाफ, ओम प्रकाश जी के खिलाफ FIR दर्ज की जाती, तो उन्हें इतना सुसाइड